मुंडावर के लोकप्रिय विधायक, अलवर जिला जाट समाज के इस जन चेतना समारोह और प्रशासनिक अधिकारियों के सम्मान समारोह में हम सबको संबोधित करने के लिए आदरणीय विधायक महोदय मंजी धर्मपाल जी चौधरी साहब। जाट जन चेतना व सम्मान समारोह के उपलक्ष पर मंच पर उपस्थित पूर्व महामहिम आदरणीय सतपाल मलिक जी, मेरे पिता के साथ जिन्होंने बहुत लंबा समय व्यतीत किया, चाहे राजनीतिक रूप में हो चाहे व्यवसाय के रूप में हो, और मेरे पिताजी के जाने के बाद जिन्होंने हमारे परिवार को सारा संभाला, ऐसे आदरणीय राजाराम मील साहब, आदरणीय यदुवीर जी, उपस्थित सम्मानित मंच और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करें आदरणीय बलबीर सिंह छिल्लर साहब, सामने विराजमान समाज के सरदारी, सभी पिता तुले मेरे बुजुर्ग युवा साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों और मीडिया बंधु, सबसे पहले आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन का कर जो समाज में जन चेतना बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए आपका साधुवाद करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे कहते हुए कोई अतिशोक्ति नहीं है कि जो समाज समय के अनुसार आगे नहीं बढ़ता हो कहीं ना कहीं पिछड़ता है, चाहे वो समाज हो चाहे कोई संगठन हो। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा, जब मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज जब चालू हुई थी तो एक पैनासोनिक मोटोरोला फ़ोन आते थे, वो आज किसी के पास नहीं दिखते। समय बदला, नोकिया आया, नोकिया समय के साथ परिवर्तन नहीं कर पाया, वो भी मार्केट से गायब हो गया। और समय बदला, ब्लैकबेरी आया, ब्लैकबेरी ने खुद की सर्विसेज BBM करके चालू करी, वो भी समय के साथ नहीं बदला, वो भी मार्केट से चला गया। इसलिए कहना चाहूँगा जो समाज या संगठन जो समय के साथ साथ बदलते जाएंगे, समय के साथ साथ अपने को परिवर्तित करते जाएंगे, वो कहीं ना कहीं जरूर आगे बढ़ेंगे। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से राजनीतिक बात ना करते हुए कहना चाहूँगा कि जो समाज अपनी कुरूतियों को दूर करेगा, चाहे वो बाल विवाह की हो, चाहे असामाजिक तत्वों की हो, चाहे नशे की हो, चाहे अन्य और कोई और कुरूतियाँ हो, जो समाज उन कुरूतियों को जल्द से जल्द दूर करेगा, और जो समाज अच्छी शिक्षा देने का काम करेगा, बच्चियों को आगे बढ़ाने का काम करेगा, अच्छे संस्कार देने का काम करेगा, वो समाज आने वाले समय में देश पर राज करेगा। इसलिए मंच पर जितने लोग बैठे हैं और सामने जितने लोग बैठे हैं, सबसे पहले आपसे यही आग्रह करना चाहूंगा, सबसे पहले हम अपना घर सुधारें। समाज की बात तो बाद में कर सकते हैं, आज कुरूति मेरे घर के अंदर, मैं मेरा घर ही नहीं सुधार पाऊंगा तो मंच के माध्यम समाज की क्या बात करूंगा। तो सबसे पहले हम अपना घर सुधारें, घर के बाद अपना गांव सुधारें, अपने गांव के बाद अपनी तहसील सुधारें, अपने तहसील के बाद अपना जिला सुधारें, और जिले के बाद जैसे राजाराम जी यहां पर बैठे हुए हैं जो जाट महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो हम उनसे आग्रह कर सकते हैं, साहब हमारा जिला कुरूतियों से दूर है, अच्छी शिक्षाओं में आगे है, अच्छी चीज़ों के अंदर आगे, तो आप और आगे बढ़िए और अन्य जिलों के अंदर हमें लेके चलिए, हम वहाँ पर भी जिले में जो कुरूतियाँ उनको दूर करने का काम दूर करेंगे। इस मंच के माध्यम से, वैसे तो सही का भी शॉर्ट करना है और वापस आप मेरे पास आके खड़े हो गए, 2 मिनट फालतू लूंगा। अगर जिले की जाट समाज की प्रतिभाओं की बात करूं या जो पूर्व में लोग रहे हैं उनकी बात करूं तो बहुत लंबा समय लगेगा, पर 2 व्यक्तियों का विशेष तौर से इस मंच के माध्यम से उल्लेख करना चाहूंगा। एक तो सामाजिक तौर पर श्री श्री 1008 श्री हरिदास जी महाराज का उल्लेख करना चाहूंगा, जिन्होंने जब सुविधाएं भी नहीं होती थी तो पैदल जाकर, लोगों के बीच जाकर, समाज को जागरूक कर अलवर हेडक्वार्टर के ऊपर छात्रावास और सामुदायिक भवन, हॉस्टल बनाने का काम किए। अगर राजनीति की बात करूं तो याद करना चाहूंगा मेरे पिता स्वर्गीय श्री धर्मपाल चौधरी जी के राजनीतिक गुरु श्री महेंद्र शास्त्री जी को, जिन्होंने उस समय समाज को इकट्ठित कर राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, जिसकी वजह से आज हम देखते हैं 11 विधानसभाओं के अंदर 2 समाज के विधायक आते हैं और आज जिला प्रमुख रास्ता अलवर जिले का अपने समाज से आता है, ये उन सब की देन है। मौका ऐसा भी है कि मेरे पिता को भी एक बार याद करना चाहूंगा, जिन्होंने राजनीति में आने से पहले बहुत लंबा समय अलवर के अंदर व्यतीत किया एक व्यवसायी के रूप के अंदर, और जब वो राजनीति से जुड़े तो आप सबकी ताकत के साथ, आप सब जानते हैं जो बालिका छात्रावास आज जिले हेडक्वार्टर पर बना हुआ है, वो आप सबके सहयोग से, सबके देन से और पिताजी की मेहनत से बना हुआ है। इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा, मेरे पिता ने आप सबके साथ से, सबके सहयोग से, मंच पे जितने लोग बैठे हैं सबके सहयोग से समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, समाज के साथ साथ जो अन्य 35 कौम है उनको भी साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम किया। विश्वास दिलाता हूं आप सबका आशीर्वाद 18 के अंदर भी रहा, आगे भी मुझे विश्वास है आप सबका आशीर्वाद भरपूर रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ उन्हीं की तरह इन सबके आशीर्वाद से, आप सभी सबके सहयोग से जो आगे आने वाला समय होगा आप सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम जरूर करूंगा।
पुनः एक बार सभी मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों का मान सम्मान करता हूं, आभार अभिनंदन करता हूं कि आप प्रमुख साहब के कहने पर सभी सरपंचों के आग्रह पर आप यहां पर पधारे। व्यस्तम समय में आपने समाज के लिए समय निकाला और सभी आप जितने भी लोग आगे बैठे हैं, जितने भी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें और युवा साथी हैं, आप सबका शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने का जो काम किया। आने वाले समय में ये संगठन भी इसी तरीके से मजबूत रहे। जिस तरीके से राजनीति के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं, सामाजिक रूप के अंदर भी इसी तरीके से आगे बढ़े, जिससे आने वाला समय पुनः एक बार अपना सबका हो। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय जाट, जय हिंद।